रूम से निकलो और भाई साहब ये नज़ारा मिले तो मज़ा ही आ जाए। ये देखो, ये हमारा रूम था ये वाला, और मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि इस पूरी प्रॉपर्टी में सिर्फ हम ही हैं और कोई भी नहीं है। और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ सुबह सुबह के नज़ारे। ये देखो, ये बह रही है चिनाब नदी फुल फ्लो में भाई, धुआं सा उठ रहा है, धुआं मतलब भाप सी उठ रही है पानी में से। इधर वाले पहाड़ों के ऊपर देखो भाई साहब, पूरे बादल आए हुए हैं, बादल ही बादल। कल जब हम आए थे धूप सी निकली हुई थी, मतलब धूप नहीं थी बट मौसम खुला हुआ था, तो बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे ऊपर तक ये पहाड़, और अब इनके ऊपर बादल आए हुए हैं भाई। रात को बारिश हुई है थोड़ी बहुत, ये देखो पूरी ज़मीन गीली पड़ी है, गाड़ी के ऊपर भी पानी होगा, ये देखो ना टेबल से पता चल जाएगा, ये बारिश हुई है रात को। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए दिन में एक नए व्लॉग के साथ। तो भाई सुबह सुबह सो के उठ गए हैं, आँख को अभी तो मुँह भी नहीं धोया, वेदर एक नंबर हो रहा है भाई, एक नंबर वेदर हो रहा है और एक नंबर ही माहौल है। जैसा मैंने आपको चारों तरफ के व्यूज़ दिखा दिए हैं, अभी प्रॉपर उठेंगे, चाय वाय बनाएंगे और फिर नाश्ता बनाएंगे, फिर सोचेंगे कि आज क्या करना है। तो कोई भी प्री प्लान्ड आइटनरी नहीं है, कोई भी प्री प्लान्ड कुछ भी नहीं है कि हमें ये करना है, वहाँ जाना है, ऐसे पहुँचना है, ये करना है, कुछ भी नहीं है। फुल रिलैक्स मोड में है, फुल रिलैक्स, जो मन करेगा जैसा मन करेगा। वैसे आज का प्लान यही है कि फ़िलहाल आज हम क्या है, यहीं पर अपनी गाड़ी को यहीं पे कैंप लगाएंगे, मतलब अपनी रूफटॉप टेंट में सोने की प्लानिंग है अगर बारिश नहीं हुई तो। आज अपन प्रॉपर कैंपिंग करने के मूड में है। तो चाय चढ़ा दी है सुबह सुबह मीनू ने, है मीनू नींद कैसी आई? हाँ, मनाली में तो एकदम साउंड स्लीप आई थी, यहाँ उतनी साउंड स्लीप नहीं आई, मतलब थके भी नहीं हुए थे। खैर, तो चाय चढ़ गई है भाई एज यूजुअल। मीनू की वो गोल्डन केटली कहाँ गई? अंदर है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, गोल्डन ये तो है ही मोमजस्ता जिसमें अपने सीक्रेट मसाले कूटेगी मीनू और डालेगी। तो छोटी मोटी चीज़ें हम लोग बुटेन पे कर लेते हैं भाई, और जो मेजर चीज़ें हैं उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं एलपीजी का। और धूप निकल गई है, सामने सूर्य देवता निकल गए हो, देखो जय हो। ये जो जगह है ना भाई, ये जैसे आप शहर की भाग दौड़ से थक गए हो, हालांकि हम तो ऐसी कोई भाग दौड़ भी नहीं कर रहे, तो हम तो सिर्फ एक्सप्लोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलते हैं। बाकी आप शहर की भाग दौड़ से थक गए हो, परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, आप यहाँ आओ, रिलैक्स एकदम, कमरे से निकलोगे तो आपको गेंदे के फूल की खुशबू आएगी, थोड़ी सी बारिश हुई है तो मिट्टी की खुशबू आ रही है, मतलब वो जो चीज़ें हैं ना उनको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो भाई, वो मैं वीडियो में डाल नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, मतलब उसको सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ। और चाय हमारी देखो उबल रही है, यहाँ पे चाय उबल रही है, ये नज़ारों के बीच में चाय पियेंगे। और सुकून कितना है आप देखो ना, सुकून कितना, शांति है, कोई किचिर किचिर नहीं, कुछ नहीं, कोई भीड़ भड़का नहीं, कोई चैं चैं पैं पैं नहीं, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं भाई, मतलब यही तो चाहिए जीवन में, और क्या चाहिए। तो अगर आप आते हो उदयपुर, उदयपुर मतलब अपना राजस्थान वाला उदयपुर नहीं, हिमाचल वाला उदयपुर, तो भाई साहब इस जगह पर आओ, ठीक है। और इन भैया ने बनाया है, इनको सपोर्ट करो, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे प्राइसिंग थोड़ी ऐसी ठीक ठाक रखें जो कि रीज़नेबल लगे सबको, किसी को भी ऐसे ओवरबर्डन ना लगे। बाकी चीज़ बहुत शानदार बनाई है भाई इन लोगों ने, बहुत ही शानदार चीज़ बनाई है, थोड़ा सा बस इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, सामने वाला जो पार्ट है इसको मेंटेन कर लेंगे, उसके बाद एकदम चकाचक ओके रिपोर्ट हो जाएगी। तो नाश्ते की तैयारी हो गई है शुरू, सुबह सुबह प्याज काट के। मीनू क्या बना रहे हो? कल की दाल बची थी ना, उसके पराठे। तो भाई दाल बची थी उसके पराठे बनाएंगे, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे, एक तो मेहनत से बनाई है और दूसरी चीज़ खाने की चीज़ को वेस्ट क्यों करना। तो ये देखो, अरे भाई पूरा टेबल हिला दिया मैंने तुमने, तो अरे तो हिलेगा, हाथ से पकड़ के कर दो, लाओ मैं करूँ ऐसे। तो आटा लग गया भाई, दाल मिला दी है इसमें रात वाली, और छोटी वो जो प्याज काटी थी चॉप करी थी वो डाल दी, बाकी और क्या क्या डाला, धनिया वनिया कुछ डाला ना, धनिया सौंफ, नमक और हरी मिर्च, बस। तो ये आटा लग गया, अब बनाएंगे इसके पराठे। तो नहा धो के ऑल सेट गाइज, और धूप आ रही है जा रही है, अभी तो चली गई, अभी पीछे बड़ी तगड़ी धूप थी, मतलब थोड़ी देर पहले जब तक मैं नहा धो के आया तब तक मीनू ने ये देखो पराठे तैयार कर दिए, अचार, अचार तो तैयार था ही मतलब, और मीनू पराठे सेकने, चाय किधर है? ओहो चाय, चाय इधर तैयार हो रहे थे ना, हैं
राजकुमार जी तैयार हो रहे थे। तुम्हें ना, अच्छा तो सिर्फ तुम ही तैयार हो गए? मैं तो तैयार ही नहीं होती, सबको पता है। तो भाई शेव करनी थी ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। नाश्ता करते हैं फिर जाते हैं नदी किनारे कहीं पे। तो हमारी चाय भी रेडी है भाई, पराठे भी रेडी है, और अभी खा के बताते हैं कि स्वाद कैसा है। मतलब खुद ही बना रहे हैं, हैंड टू हैंड गर्मा गर्म खुद ही खा रहे हैं भाई साहब। और क्या चाहिए जीवन में सुकून के लिए। बहुत बढ़िया, एक नंबर, मज़ा आ गया। नाश्ता करते हैं फिर आगे की कार्रवाई सेट करते हैं। तो खाना बनाओ, खाना खाओ और फिर बर्तन धो, ये रूटीन सेट है भैया कैंपिंग का। मतलब जो कैंपिंग मोड है ना, उसमें यही काम है। हमने पिछले दो दिन में, मतलब जब से ट्रैवल शुरू किया है, एक टाइम बाहर से खाना खाया सिर्फ, रास्ते में जो खाया था, जो आपको दिखाया था, उसके अलावा सारा टोटली हमने खुद बनाया भाई, बाहर का कुछ नहीं लिया। तो इसका भी अपना एक अलग स्वाद है। तो भाई हमने सोचा कि आसपास कहीं पे थोड़ा सा नदी किनारे आसपास चलते हैं, वहाँ कुछ कुकिंग वुकिंग करेंगे, कुछ वीडियोस बढ़िया रील वील बनाएंगे या जो भी करेंगे। इसलिए अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल गए थोड़ी देर के लिए। मतलब मज़ा आ रहा था बैठे बैठे, हम लोग तो फुल इन्जॉय कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बैठे बैठे पूरा टाइम पास कर सकते हैं। क्यों मीनू? बिल्कुल कर सकते हैं ना। और रास्ता देखो भाई साहब, जो रास्ता यहाँ प्रोज केबिन तक आता है वो देखो, मतलब ये पर्सनल रास्ता इन्होंने बना रखा है अपना ना। और यहाँ से जो पाइपलाइन डाल रखी है ना, ये वो जो ऊपर से वो आ रही थी हल्की सी, उसमें अपना अपना जोड़ के ऐसे अलग अलग और पानी यूज़ करते हैं। तो अभी हम आए हैं मिनी मनाली करके ये जगह है भाई, यहाँ ताज़ा ताज़ा ही देखो सुलग रही है आग, धुआं उठता दिख रहा है ना। ये भाई कोई बोतल वोतल जलाने के हिसाब से, मतलब वो बोतल भी पिंगली पड़ी है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन लोगों ने जो गड़बड़ कर रखी है ना वो देखो, ये मतलब कांच की बोतलें, ये देखो ये ऐसे फोड़ रखी हैं भाई। फोड़ते क्यों है मेरे को समझ नहीं आ रहा भैया। जो चीज़ लाए हो आप, बियर की बोतल लाए हो, किसी भी चीज़ की बोतल लाए हो, उसको पियो और वापस पैक करके घर ले जाओ। ये देखो इतनी खूबसूरत जगह की ऐसी तैसी करते हैं यार, बड़ा दुख होता है भाई, बड़ा दुख होता है। क्या करें, कैसे समझाएं भाई। रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है भाई, कचरा मत फैलाया करो, कोशिश क्या करो, अपनी अपनी जिम्मेदारी, एक अच्छा नागरिक होने की जिम्मेदारी प्रॉपर निभाओ यार। सामने बह रही है नदी, ये देखो नदी कितनी खूबसूरत लग रही है। नदी क्या बढ़िया हवा चल रही है, क्या नज़ारा है। लेकिन भाई इस खूबसूरती को ख़राब कर रहे, देखो वहाँ भी वो पड़ी हुई ना बोतलें फूटी हुई, वो देखो फेंक के फोड़ रखी है पूरी। तो भाई मोबाइल पे अपना ही व्लॉग चला लिया, नदी किनारे बैठे हुए हैं, व्लॉग देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा। मतलब क्या सुकून है ना, क्या पीस है। तो बड़ी स्क्रीन तो है नहीं, तो अपन ने मोबाइल पे ही चला लिया व्लॉग। व्लॉग देखते हैं पहले, इसको एंजॉय करते हैं, फिर कुछ यहाँ पे पकाएंगे, खाएंगे, वाएंगे। कल हमने ना ये एक इंसेंस पाउडर लिया था, तो वो जो आग सुलग रही थी ना, जहाँ पे वो आग मैंने अभी आपको दिखाई थी मीनू, उसमें डाला ही है और पूरा एरिया सुगंधित हो गया भाई। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, और हवा भी हमारी तरफ की है ना, तो सारी खुशबू इसी तरफ आ रही है। तो ठंड शुरू हो गई है, मीनू भाई हो रही है, मीनू ने पहन लिया स्वेटर, और मेरा सारा सामान जो है ना वो पड़ा हुआ है रूम पे, तो मेरे पास तो सिर्फ टी शर्ट है और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, झेलेंगे भैया, ठंड को भी झेलेंगे। तो ये जहाँ पर हम आए हैं भाई, इस जगह का नाम मतलब गूगल पे पिन कर रखा है इसको, मिनी मनाली। ये एक ट्रेल बना रखी है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ट्रेल बना रखी है, आप इस पर बढ़िया से वॉक कर सकते हो, बढ़िया कैंपिंग भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर आप साइड में गाड़ी या बाइक वगैरह उधर रोड पे खड़ी करके और यहाँ पे अपना टेंट पिच कर सकते हो। कितना सेफ़ है कि नहीं वो तो मेरे को आइडिया नहीं, बट हालांकि यहाँ पे सब सेफ़ है, मतलब
कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई जानवर की भी प्रॉब्लम नहीं है, लोकल्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया लोग हैं इस तरफ ना, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला हुआ है इसलिए लोग सब अच्छे हैं। कितनी ही खूबसूरत जगह है ना भाई, ये देखो मतलब ये चीड़ के पेड़, बीच में ये खूबसूरत सी ट्रेल, साइड में बहती हुई नदी, उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़, भाई गजब है गजब। तो मैं भी निकला हूँ थोड़ा सा वॉक करने के लिए, थोड़ा पैदल मार्च करते हैं, घूमते हैं। मीनू बैठी हुई है, मीनू उसमें कुछ कुछ खुशबू के लिए डाल रही है, वो जो आग सुलग रही थी ना उसमें कुछ कुछ डाल रही है खुशबू के लिए, और टाइम पास कर रही है। अभी थोड़ी सी भूख लगेगी तो जो चावल बचे हुए थे उनको फ्राइड राइस, नमकीन चावल बनाएंगे और कॉफ़ी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा भूख है नहीं भाई, सुबह पराठे खाए हैं दबा के। एक चीज़ और बताओ भाई, जैसे ये इतना बड़ा पत्थर है, ये यहाँ पे लाके तो किसी ने रखा नहीं होगा, ये आया कहाँ से होगा? और फिर आया तो ये इसमें दरार कैसे आ गई होगी अपने आप? ये कैसे ब्रेक हो गया होगा? देखो ना फट गया भाई, मतलब पूरी तरह से फट गया बीच में से, तो कैसे हुआ होगा यार? मतलब क्वेश्चन तो है मेरे दिमाग में ये। तो हमारी कैंप फायर जल चुकी है भाई, ये देखो हमने वो जो आग वो सुलग रहा था ना जो, उसमें थोड़े बहुत ये सूखे पत्ते डाल डाल के इसको हल्का सा जला दिया है, और थोड़ी लकड़ियाँ चुन के लाते हैं छोटी छोटी। तो रिवर साइड आज हम बना रहे हैं, हमारे जो चावल बचे हुए थे ना भाई रात के, इसको बना रहे हैं नमकीन चावल टाइप समथिंग, है ना? मतलब हम इसको इसमें मूँगफली डालेंगे तल के, और टमाटर प्याज का छौंका लगाएंगे, बस सिंपल से। हवा इतनी तेज़ थी भाई, मतलब ये हवा को रोकने के लिए लाना ही पड़ा, मतलब गैस गर्म ही नहीं हो पा रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो भाई चावल हो गए रेडी अपने, देखो चावल और पीछे नदी और शानदार मौसम। तो ये आज का लंच है भाई, ये चावल खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आज करनी है शाम को पूरी तरह से कैंपिंग, आज अपन सोएंगे अपने रूफटॉप टेंट में। तो भाई बढ़िया से खा पी के और निकल गए हैं उस लोकेशन से, अब जा रहे हैं माता के मंदिर, मृकला देवी माता मंदिर जा रहे हैं। यहाँ से पास में ही है, जस्ट 200 मीटर की दूरी पर ही है, वहाँ जाते हैं दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। हम लोग पहुँच गए भाई मृकला माता मंदिर, और संरक्षित स्मारक के उसमें आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, क्या है कुछ करता है क्षति पहुंचाता है तो 1,00,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की कारावास। मंदिर के अंदर तो भाई फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड थी, लेकिन अगर आप बाहर से देख सकते हो मंदिर बहुत ही पुराना है, मतलब लकड़ी की नक्काशी अंदर इतनी पुरानी लगती है ना, और एंट्री का जो गेट है वो बहुत छोटा है, मतलब आपको झुक के जाना पड़ता है, और मतलब बाहर की कार्विंग देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि पता नहीं कितना पुराना मंदिर है। तो भाई हमने उनके व्लॉग में देखा था, अपने हरीश वाली के व्लॉग में, कि इस पत्थर को 6 लोग 2 उंगलियों से उठा सकते हैं, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं एक सिंगल पर्सन, तो मेरे ख्याल से सिंगल पर्सन तो शायद उठा नहीं पाएगा। ये भाई उठाई देगा लगता है आज भाई, एक बार और ट्राई कर दो कब तक उठी जाए। एक बार पूरे भीम को याद करो, भीम को और बस ऐसे लगो कि आप ही भीम हो। चलो 1, 2, 3 छोटा भीम, छोटा भीम नहीं उठा पाएगा, बड़ा भीम ही उठा पाएगा। तामो या कुछ नहीं सिम लाको बैलेंस लाको चुको।
नहीं नहीं उठेगा, ये भरत भी मार रहा है, वो है भरत। आओ जी आप आ जाओ। तो आज मौसम भी फेवरेबल है, जगह भी परफेक्ट है, सेफ एंड सिक्योर। जहाँ हम कल रुके थे ना, उन्हीं के यहाँ पे आज हम लोग अपना रूफटॉप टेंट खोलेंगे और प्योर कैंपिंग करेंगे। तो आप टाइम लैप्स का मजा लो, मैं करता हूँ रूफटॉप टेंट को खोलने की तैयारी। भाई टंकी में पानी खत्म हो गया था, तो अब ओनर थे नहीं यहाँ पे, तो कैसे करते हैं? तो मैंने फिर खुद ही देखा कहाँ से वॉल खुलनी है, ऊपर चढ़ गया मैं और किन सीढ़ियों से चढ़ कर आया हूँ। आप देखो ये वाली जो है ना, ये एक बड़ा लॉग है, उस पर छोटे छोटे टुकड़े लगा रखे हैं। इस सीढ़ी से चढ़ के और मैं आ गया ऊपर टंकी भरने के लिए। भाई टेंट हमने खोल ही लिया था और थोड़ी सी हवा भी लगा दी क्योंकि बहुत दिनों बाद खोला है। गद्दे को भी हवा लगा दी। यहाँ खाने की तैयारियाँ हो गई शुरू। तो मीनू क्या बना रहे हो आज? छोले और रोटी। अच्छा सूप बना रहे हो। तो वहाँ पे हमने चढ़ा दिया भाई कुकर। आज रहेगी अपनी प्योर कैंपिंग और बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी। ये देखो हमने छाता लगा दिया, ये लग गया छाता। नीचे चढ़ा दिया है कुकर, ये देखो कुकर में छोले उबलने के लिए रख दिए भाई। तो भाई कमेंट्स के रिप्लाई भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे मीनू ने पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है अपने सूप का। छोले आपको दिखाई दिए थे जो उबलने के लिए रखे हुए हमने। तो डिनर की और शाम के स्नैक्स की, स्नैक्स मतलब सूप वगैरह, इसकी तैयारी हो गई शुरू। भाई ये देखो जैकेट फिर निकल गई है, इसका मतलब हो गई है ठंड। और अब एक बात बताओ भाई, ऐसी लोकेशन मतलब एक सिंगल गाड़ी, कल भी मैंने बताया था, कल हम लोग रुके थे रूम्स में क्योंकि कल क्या बारिश तो इतनी थी, बट फिर भी हमने सोचा कि कहीं रात को तेज़ ना आ जाए। तो आज हम कर रहे हैं प्रॉपर कैंपिंग है। देखो हमने अपना टेंट खोल दिया, तो आज कर रहे हैं हम प्रॉपर कैंपिंग। खाना तो हम रोज़ बना ही रहे हैं, कुछ बाहर का खाना हमने सिर्फ एक टाइम खाया अभी तक, आपको बताया था ना, सिर्फ एक बार हमने रास्ते में जब नोएडा से मनाली आ रहे थे तब। और थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग का सामान निकालते हैं भाई अपनी गाड़ी से। ये भाई ये क्या चीज़ है, पता नहीं कितने सारे टांगे हैं इसके। अच्छा उसके पीछे चला गया, टाइल के पीछे। यही काम मीनू कल कर रही थी और यही आज कर रही है। मैं तो कई सालों से यही काम कर रही। अच्छा कई सालों से यही काम कर रहे हो। तो प्याज को चॉप कर रही है मीनू, कढ़ाई चढ़ा दी है इधर। और बाकी तैयारी क्या क्या हो गई? बस अभी तैयारी चल ही रही है, मतलब अभी तो सबसे पहले प्याज भुनेगी है ना मीनू। ओके तो जब तक यहाँ छोले का मसाला पक रहा है भाई, तब तक यहाँ पे आटा लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। छोले हो गए भाई लगभग लगभग तैयार, अब बनाएंगे रोटी। तो सर्दी का इंतज़ाम करने के लिए भाई हमने लगा लिया बॉन फायर। ये देखो कितना बड़ा लॉग हमें मिल गया, मतलब नीचे छोटे छोटे लगाए फिर इतना बड़ा लॉग लगाया। मीनू को लग रही है ठंड, मतलब ठंड तो हो ही रही है, अब सही लग रहा है। स्वेटर वगैरह पहन रखी है मीनू ने, मैंने भी जैकेट पहन लिया था, मतलब हवा चल रही थी जब तो ठंडा हो गया था बहुत अच्छा। अब तो फिर भी ठीक है, मतलब जैकेट हालांकि मैंने पहन रखी है, नीचे एक स्वेट शर्ट पहन रखी है, वही सेम कल वाला टेम्परेचर है। बाहर बैठ रहे हैं, अच्छा प्लेजेंट एनवायरनमेंट है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। खाना वाना अब लगभग बन गया, रोटी सेकनी है फिर खाना खाएंगे। तो लो जी फाइनली रोटी सेकने का टाइम आ गया है, मीनू सेक रही है रोटी। तो मीनू दो दिन हो गए हमें यहाँ रुके हुए, इस जगह के बारे में कुछ दो शब्द बोल दो। बहुत बढ़िया चल रहा है, शांत एकदम एकदम शांत, मतलब गाँव वाले भी बहुत अच्छे हैं, मतलब जिनका ये वो तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ मतलब अच्छे लोग हैं, मतलब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं भाई। इनकी ये जो कुर्सी वुर्सी जितना सामान है ना, ये टेबल कुर्सी ये सब यहीं खुले में ऐसे ही रहता है हमेशा, और कोई लॉक एंड की में नहीं रहता। हाँ जैसे हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं ना, उनसे कुछ भी मांग ले, जैसे कुछ भी एक चीज मांग ली, इन्होंने हमें सुबह दूध दिया, अभी भी बोल कर गई है कि मैं सुबह हमारे घर में गाय बंधी हुई है उसका दूध आपको चाहिए हो तो बता देना। और जैसे हमने दही भी बोला इनको, बट उन्होंने बोला कि आप पहले बोलते तो हम आपके लिए स्पेशली जमा देते। मतलब बड़े बड़े होटलों में इतने बड़े बड़े रईस लोग, इतने पैसे वाले होते हैं, एक एक रुपए के लिए ऐसे चिंदी चोरी करते हैं, बट यहाँ पे देखो इनका, इन लोगों का दिल कितना बड़ा है भाई। ये तो फर्क होता ही है देखो, क्योंकि अभी इस गांव में क्या उतना एक्सपोजर नहीं है, उतने सब चीज़ें उन लोगों के मन में वो लालच नहीं आया। और ये जो गांव है ना बेसिकली, इसमें आठ परिवार तो इन्हीं जो ओनर है ना उन्हीं के घर के लोग हैं, मतलब जो इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं।
और सामने आपको हल्की सी आवाज़ आ रही होगी नदी की, देखो गौर से सुनो। तो आज के डिनर में छोले, रोटी, सलाद, और भाई साहब आपकी बीवी अगर आपको ऐसी लोकेशन पे इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर दे दे तो इससे बढ़िया किस्मत क्या होगी। तो खाना खाते हैं भाई और खा के आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। गर्मा गर्म रोटी विद गर्मा गर्म छोले, एक नंबर। ऐसा नहीं है कि मेरी बीवी ने बनाया इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ, जेन्युइनली बहुत बढ़िया बना भाई, मज़ेदार। तो भाई खा पी कर आ गए हैं टेंट में, रूफ टॉप टेंट में। भाई फंगस लगी हुई थी इसे बहुत दिनों बाद आज खोला। और मैं कितने दिनों से बोल रही हूँ धूप दिखा दो, धूप दिखा दो, धूप दिखा दो। भाई इसको क्या दिखाना, तो धूप भी है और जिसका ये टेंट है दिखाना उसको भी है। देखते हैं फिर अब क्या करेंगे, फिलहाल आज तो सो रहे हैं इसमें। बढ़िया मस्त इन्जॉय किया पूरा दिन। ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। भाई मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय। गुड नाइट, गुड नाइट। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई।